हाय एवरीवन, आज मैं जीपीडीपी 2023 2024 ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में कैसा एंट्री करना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ई-ग्राम स्वराज में एंट्री करना पड़े तो पहले हम क्या करना पड़े तो ई-ग्राम स्वराज लॉगिन में लॉगिन होना पड़े तो हम एक वेब ब्राउजर ओपन करके एक वेब ब्राउजर में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का एड्रेस मारना ई-ग्राम-स्वराज.gov.in। हमारे तो ऐसे हमारे को होम स्क्रीन आते हैं, होम स्क्रीन में लॉग इन बटन ऑप्शन रहते हैं। सो लॉग इन बटन प्रेस करना, लॉग इन बटन प्रेस करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा एंट्री करके एक डायलॉग बॉक्स आते हैं, उसमें आपका ग्राम पंचायती यूजर आईडी क्या है, उसका पासवर्ड और कैप्चा एंट्री करके लॉग इन बटन प्रेस करना है। वंस लॉग इन बटन प्रेस करने के बाद हमारे को ए असाइंड यूनिट बोलकर एक स्क्रीन आते हैं, उसमें हम फाइनेंशियल ईयर का सेलेक्ट करना है। अभी 2023 2024 फाइनेंशियल ईयर का शेयर सेलेक्ट करने के बाद बाकी का ड्रा ऑप्शन ऑटो पॉपअप होता है। एंटिटी टाइप जिला परिषद मंडल पंचायती असाइंड यूनिट स्टेट पूरा ऑटो पॉपअप होता है। पूरा देखने के बाद सबमिट बटन प्रेस करना है। सबमिट बटन से प्रेस करने के बाद हमारे को ग्राम पंचायत का स्क्रीन होम पेज ऐसा ओपन होता है, उसमें हमारे को दो ऑप्शन रहते हैं, एक लेफ्ट पैनल और राइट पैनल बोलते हैं। ये लेफ्ट पैनल में हमारे को पूरा ऑप्शन माय प्रोफाइल, पंचायत प्रोफाइल, फंड रिसीव एनवेलप, प्लानिंग, वाउचर ट्रांजेक्शन, पीरियड एंड प्रोसीजर, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, एमएक्स सॉफ्ट, असेट रजिस्टर, मास्टर एंट्री रिपोर्ट्स, पंचायत विंडो, ऐसा ऑप्शन आते हैं हमारे को। अब ये ऑप्शन हम क्लिक करें तो सेलेक्ट करें तो राइट साइड में उसका विंडो ओपन होते हैं और राइट पैनल में। ओके, हम पहले क्या करना बोलो तो ई ग्राम स्वराज में जीपीडीपी एंट्री करना बोलो तो पहले हम पंचायती माई प्रोफाइल है ना, तो माई प्रोफाइल अपडेट करना है। माई प्रोफाइल बोलो तो आपको पंचायत सेक्रेटरी का नेम, जेंडर, ऑर्गेनाइजेशन, डिजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये पूरे एंट्री करके अपडेट बटन दबाना है। बाद में पंचायती प्रोफाइल है तो उसका भी अपडेट करना है। पंचायत प्रोफाइल में हमारे को जनरल प्रोफाइल पूछते, बेसिक प्रोफाइल, इलेक्शन डिटेल्स, इलेक्टेड मेंबर डिटेल्स, कमिटी मेंबर्स, ऐसा ऑप्शंस आते हैं। वो पूरा एंट्री करके अपडेट करना है। ऑलरेडी अपडेट करे तो उसको फ्रीजिंग करे तो अनफ्रीज करके फिर अपडेट करना है एक बार एवरी सिक्स मंथ्स वी नीड टू अपडेट दिस प्रोफाइल डिटेल्स। ओके, वंस अपडेट होने के बाद क्या करना, फंड रिसोर्स एनवेलप में जाके आपका फंड कितना है, 15th फाइनेंस का और स्टेट फाइनेंस का फंड, ओन सोर्स फंड और बाकी लाइन डिपार्टमेंट का फंड फंड कितना है, वो पूरा हम इसमें स्क्रीन में एंट्री करके रखता। कैसे एंट्री करना, अब फंड रिसोर्स एनवेलप एक्सपेंड करे तो एक्सपेक्टेड फंड एलोकेशन बोलकर ऑप्शन आते हैं। एक्सपेक्टेड फंड एलोकेशन को दबाया तो राइट साइड पैनल में एक्सपेक्टेड फंड एलोकेशन का स्क्रीन ओपन होता है, उसमें सेंटर स्कीम, स्टेट स्कीम, अदर्स बोलकर आता है। अब सेंटर स्कीम प्लस सिंबल दबाए तो अभी इधर देखो प्लस ही है ना, ये प्लस सिंबल का एक्सपेंड करे तो पूरा लिस्ट जनरेट होते हैं। वो लिस्ट में 28 रिकॉर्ड्स रहते हैं। अभी लाइन डिपार्टमेंट का अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रहे हैं ना फ्लैगशिप्स, वो स्कीम्स का वो पूरा सेंट्रल स्कीम्स में रिफ्लेक्ट होता है। 27-28 में 15th फाइनेंस कमीशन का टाइड ग्रांट एक, 15th फाइनेंस कमीशन का बेसिक ग्रांट एक रहते, वो हम मॉडिफिकेशन करने के लिए कुछ भी नहीं रहता, ऑटोमेटिकल पॉपुलेट होता है, वो लिख लेना। काले हम जीपीडीपी प्रिपेयर करने में पेपर वर्क करना बोलो तो हमारे को ग्रांट कितना है मालूम होना, पहले मालूम होना बोलो तो 15th फाइनेंस के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल में जाके उसमें कितना है वो लिख लेना है। और बाकी का हम लाइन डिपार्टमेंट से मंगवा के वो पूरा डिटेल्स इसमें एंट्री करना है। कुछ बाकी का डिपार्टमेंट बजट ना है बोलो तो वो कॉल नहीं छोड़ना है, जीरो वैल्यू एंट्री करके भी सेव करना है, नहीं तो अब फाइनल अप्रूवल देने का टाइम पे लाइन डिपार्टमेंट का बजट एंट्री नहीं करे बोलकर कर आता है, उसको हम ओवरराइड करना बोलो तो जीरो एंट्री करके सेव करना है। पहले सेंटर स्कीम्स का बजट एंट्री करना, बाद में
स्टेट फाइनेंस कमीशन का ग्रांट कुछ रहे था, वो कहता है वो आपके पास रहे थे, वो उसका वो भी एंट्री करना है, बाकी स्पॉन्सर्स का एंट्री करना है। पूरे एंट्री करने के बाद लास्ट सेव बटन रहता है, सेव बटन को दबाना है। सेव बटन दबाया तो हमारे को बजट एंट्री हो जाता है। नेक्स्ट टाइम क्या करना है, एक्टिविटी एंट्री करना पड़ता है, एक एक एक्टिविटी एंट्री करना पड़ता है। उसके लिए एक्टिविटी एंट्री करना बोलो तो क्या क्या पूछ रहे देख लो एक बार। रजिस्टर एक्टिविटी में था, प्लानिंग में जाना, प्लानिंग में जाके एक्टिविटी खोल रहे थे, एक्टिविटी खोल में रजिस्टर एंटिटी खोलकर आप रजिस्टर एक्टिविटी बोल कर रहे थे, उसको दबाया तो हमारे को विंडो ओपन होता है। विंडो में पूरा ऑप्शंस आते हैं, 20 से 24 तक ऑप्शंस रहते हैं, उसको हम कॉलम भी बोल सकते हैं। एक एक एक्टिविटी एंट्री करना बोलो तो हम कितना भी लिखो, 78 रहने दो, 100 रहने दो, हम ऑनलाइन में एक एक एक्टिविटी एंट्री करना पड़ता है। एक एक एक्टिविटी में 20 to 25 कॉलम्स रहते हैं, उसके हिसाब से एंट्री करना है। क्या कुछ तो उसमें बोलो तो डिजायर्ड थीम क्या है, सेलेक्ट एक्टिविटी क्या है, फोकस एरिया क्या है, एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन क्या है, एक्टिविटी टाइप क्या है, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम कितना है, एक्सपेक्टेड बेनिफिशियर कितना है, एस्टिमेटेड कास्ट कितना है, और असेट टाइप डिटेल्स पूछता है। तो पूरा एंट्री करना बोलो तो हम क्या करना, पहले पेपर वर्क कर लेना। ऑलरेडी आपका बजट कितना है आपको मालूम हो गया, वो बजट के हिसाब से आप क्या करना बोलो तो एक पेपर वर्क, मैं ऑलरेडी आपको बताने के लिए एक ड्राफ्ट पेपर वर्क करके रखे, उसमें मैं क्या क्या करूँगा तो डेमो के लिए मैं ऐसे बना लिए, खाली 3 बजट लिए, 15th फाइनेंस ट्रेड ग्रांट, 15th फाइनेंस बेसिक ग्रांट, स्टेट फाइनेंस कमीशन का ग्रांट, वन फंड, ये 3 लिए। और लाइन डिपार्टमेंट के मैं इंक्लूड नहीं करें, क्योंकि बोलते डेमो के लिए, मगर आप लाइन में एंट्री करने के टाइम पे आप लाइन डिपार्टमेंट का बजट भी कलेक्ट करना पड़ता, उसका वर्क वर्क कुछ रहा है तो और वर्क से भी इंक्लूड करना, क्या क्यों बोलो तो आप ये साल से अभी कुछ लाइन डिपार्टमेंट का पेमेंट करना बोलो तो भी असेट कैप्चर करना बोल रहे। वो असेट कैसे कैप्चर करते हम लोग, ई ग्राम सरहद में उसका वर्क रहा है तो इच्छी हम असेट, वो उसके लिए फिजिकल प्रोग्रेस में टेक्निकल अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल, फिजिकल प्रोग्रेस पूरा करके बाद में MXF सबको वर्क मूव करने के बाद वो उसके वो लोकेशन में जाके असेट फोटो कैप्चर करते हैं। उसको फोटो कैप्चर करना बोलो तो वो सेंट्रल स्कैम्स सेंट्रल स्कीम्स कहते रहे, तो 18 सेंट्रल स्कीम्स रहते, स्पॉन्सर स्कीम्स लाइक MGNRDS, मिड डे मील स्कूल्स, स्वच्छ भारत मिशन, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स रहते। वो स्कीम्स के लिए उन पेमेंट करना बोलो तो स्पेशल अभी स्वच्छ भारत मिशन का ऑलरेडी उन लोग ये साल में कंपलसरी ई ग्राम सरहद में रहना, उसका पेमेंट करना बोलो तो फिजिकल असेट कंप्लीट करना बोलकर वो बोल रहे थे। तो उसका ग्रांट कितना रहते वो लाइन डिपार्टमेंट से मंगवा कर वो ऑनलाइन में ई ग्राम सरहद में एंट्री करना, उसके हिसाब से भी हम बजट में इंक्लूड करना है। पहले क्या करना, अब एक ड्राफ्ट मैं कहा अभी आपको आइडिया के लिए, ये वीडियो देखो तो थोड़ा आपको आइडिया आता है कैसे कैसे एंट्री करना बोलकर, आपको आइडिया आने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पेपर वर्क मैं ऐसा हूँ, स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट मंडल GP वो लिख लिया तुम्हारी, मेरे संकल्प तुम क्या है कंपल्सरी, अभी ये साल डिफरेंट है बाकी साल का डिफरेंट है। अब ये साल से क्या बोल, थीमेटिक GP भी बोल रहे हैं। थीमेटिक GP बोलो तो क्या है आपको मालूम है, 9 थीम्स रहते हैं। सो 9 थीम्स को लाइन डिपार्टमेंट पे कोऑर्डिनेशन करके हम लाइन 9 थीम्स में GPDP प्लान इंक्लूड करना है। आपका संकल्प थीम क्या रहा है तो उसके ज़्यादा प्रायोरिटी देना है बोलो तो। आपका संकल्प आप क्लीन एंड ग्रीन बोल, अब मैं मेरा संकल्प क्लीन एंड ग्रीन थीम है। अब मैं क्लीन एंड ग्रीन थीम ये साल में पूरा करना बोलो तो उसके लिए बजट एलोकेशन भी 50% रहना, अनटाइड बजट एलोकेशन 50% रख लेना, और एक्टिविटीज भी पूरा एक्टिविटीज में 50% एक्टिविटीज क्लीन एंड ग्रीन के लिए मैं एंट्री करना पड़ता, बाकी बाकी का थीम में और एक और दो आया जैसे देख लेना। पूरा 9 थीम्स का
प्लान पेपर करना है, 19 से प्लान पेपर करने के बाद वो ऑनलाइन में एंट्री करना है। प्रिपेयर करने के टाइम पे तो माइंड में क्या ध्यान रहना बोलो तो, पहले आपका बजट कितना है वो देख लेना। टाइड 15th महीने देखो टाइड कितना है, बेसिक रेंट कितना है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या कहता है, वन फंड कहता है, पूरा वो 100% मालूम हो, 100% कंसिडर करें तो। अब हम प्लान 100 से 120% बीच में कर सकते हैं, कम ना रहे ना ज़्यादा भी ना रहे ना, 100 to 120% बीच में ही रहे ना। सो 120 बोले तो कितना रहे तो वो भी आपको थोड़ा कैलकुलेट करके रख लेना। ऐसा मैं रख लेने के बाद अब एंट्री करने के टाइम पे क्या क्या रहना बोलो तो, माइंड में संकल्प मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल में अपडेट करके रहना और रेजोल्यूशन भी अपलोड करना है एक। और आपका पीपल्स प्लान कैंपेनिंग के लिए ग्राम सभा कंडक्ट कर देना, वो भी gpdp.nic.in पोर्टल में फैसिलिटेटर फीडबैक देना है, उसमें ग्राम सभा जीपीडी पे अप्रूव करे बोलकर ऑप्शन भी चेक करना है, टिक करना है। कुछ नहीं करे तो और रहता है हमारे को। सो आप अभी भी आप ऑनलाइन एंट्री करने के टाइम पे एक बार वेरीफाई करके ऑनलाइन एंट्री करो। और क्या है बोलो तो, शुड एलोकेट 50% एक्टिविटीज फॉर संकल्प टीम। ऑलरेडी मैं बोले ज़्यादा प्रायोरिटी आप संकल्प टीम क्या देख ले तो, अब हमारा संकल्प क्या बोलो तो मिनिमम एक संकल्प कर सकते हैं, मैक्सिमम दो संकल्प है। सो मिनिमम एक मैं लिए, इसलिए मैं एक लिए। और शुड एलोकेट 50% एक्टिविटीज फॉर संकल्प टीम। और क्या है, एंश्योर दैट पंचायत शुड एलोकेट 50% अनटेड अमाउंट फॉर संकल्प टीम, एंश्योर दैट पंचायती नॉट अलोकेट मोर देन, नॉट टू अलोकेट मोर देन 10% फंड, 10% टाइड सैनिटेशन का और ड्रिंकिंग वाटर का टू ऑपरेशन टाइप वर्क्स। हम ऑलरेडी टाइप ऑफ वर्क बोलकर हमारे पूछते हैं, इसमें फ्रेश लेते, मेंटेनेंस लेते, अपग्रेडेशन लेते, ऑपरेशन टाइप लेते। सो ऑपरेशन टाइप का वर्क कुछ एंट्री करें तो वो भी टाइड में ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सैनिटेशन के लिए ऑपरेशन वर्क एंट्री करें तो वो हमारे टाइम में से 10% का ज़्यादा नहीं रहना, वो देख के हम प्लान एंट्री करना। पूरा ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट करने के टाइम पर और एक बार वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई कैसे करता है मैं देखो, नीचे पूरा वैसे प्रोफार्मा बना लिए। अब ऑलरेडी आपको दिखाया है ना हमारा को एक्टिविटीज़ क्या क्या पूछते बोलकर। अब ऐसे एक्टिविटीज़ है ना उस पूरा एक्टिविटीज़ को मैं ऐसा टेबल में रख लिए बना, क्या बोलते पहले डिजर्ट थीम। सो डिजर्ट थीम क्या है वो हम लिख लेना, सेलेक्ट एन एक्टिविटी, फोकस और सब्जेक्ट एरिया क्या है, फोकस और सब्जेक्ट एरिया क्या है, और मिशन हम तो देगा गैप्स कुछ है नए, एक्टिविटी इज फॉर रिमार्केबल फॉर SC ST जनरल और कुछ है, टारगेट पॉपुलेशन कितना है, एक्टिविटी नेचर क्या है, फ्रेश ऑपरेशन मेंटेनेंस अपग्रेडेशन एक्टिविटी, इज दिस एक्टिविटी डायरेक्टली फंडेड बाय जीपी, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। इसमें क्या है बोलो तो, इज दिस एक्टिविटी बोलो तो हम ऑलरेडी बोले ना भाई ग्राम पंचायत के वन सोर्स रहते, सेंट्रल फाइनेंस का ग्रांट रहते और स्टेट फाइनेंस का कुछ ग्रांट रहते वो भी रहते, वो उसमें से एक्टिविटीज के लिए खर्चा करे तो वो ग्राम पंचायत से बोल के लिखते हैं, और बाकी ना है तो लाइन डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेके वो वर्क को लाइन डिपार्टमेंट वाला का पेमेंट करे तो वो उधर नो बोल के क्या बाकी में डिटेल्स अपडेट करना है। सोर्स ऑफ फंडिंग बोल तो हमारा ग्राम पंचायत को फंडिंग से करे तो वो फंडिंग क्या है लिखना, ना तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम बोल कर रहे थे, वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में क्या है, वो टाइड है अनटाइड और VPRP है क्या है वो भी लिखना है, सपोर्टेड बाई। अब हमारे ग्राम पंचायत बोलो तो जीपी का लिखते हैं, दूसरा लाइन डिपार्टमेंट बोलो तो लाइन डिपार्टमेंट क्या है इधर लिख लेना। पूरा हमारा को नोडल ऑफिसर्स कहता है वो भी आपके पास है, और बाकी लाइन डिपार्टमेंट क्या है आपके भी मालूम है, वो लाइन डिपार्टमेंट से लेना है। स्कीम क्या है, पूरा 18 स्पॉन्सर स्कीम रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा 18 स्पॉन्सर फ्लैगशिप स्कीम्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो स्कीम से अब इंक्लूड एंट्री करें एक्टिविटी किस में है आते वो स्कीम इधर एंट्री करना है। उसके लिए यूनिट कैश कितना है, एक यूनिट के लिए कितने कास्ट होते हैं, पूरे एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी कितना है, एस्टिमेटेड टोटल कास्ट कितना है, अमाउंट एलोकेटेड बाय जीपी कितना है, सेलेक्टेड टेंटेटिव स्टार्ट ईयर एंड मंथ वो भी देख लेना, एक्टिव आउटपुट, एक्टिव आउटपुट में फिर मूवेबल इमूवेबल वो डिटेल्स पूछते, वो पूरा भी हम ऐसा
पेपर वर्क करके रहना, पूरा मैं कितना मैं क्लीन एंड ग्रीन में 78 एक्यूरेट एंट्री करें। देखो टीम 5, टीम 5, टीम 9, टीम 7, टीम 6, टीम 3, टीम 2, टीम 1, टीम 5, टीम 5, टीम 4, टीम 4, टीम 5, ऐसा मैं पूरा 9 टीम्स इंक्लूड कर लिए। 9 टीम्स इंक्लूड करने के बाद बजट भी हमारा बजट के हिसाब से अलोकेट करें, एक एक वर्क के लिए बजट कितना अलोकेट करना वो भी अलोकेट करें। ताकि बोला तो हम मेकर लागिन में पेमेंट करना बोला तो कितना अवेलेबल अमाउंट रहे तो उतने के लिए हम पेमेंट कर सकते हैं, बाकी का पेमेंट हम करना बोला तो भी मुश्किल रहते। सो रियलिटी में अब इंक्लूड करें, GPDP में वर्क इंक्लूड करें, वो भी वर्क हो गया उसके पेमेंट करना बोला तो अब GPDP एंट्री करने के टाइम पे फंड एलोकेशन में आप खाली 1 लाख रुपये एंट्री करें, रियलिटी में 2 लाख हो गए बोलो तो। हम रियलिटी में 2 लाख हो गए बोलकर हम अभी ये वर्क के लिए ये 2 लाख पेमेंट करें बोलो तो हम नहीं कर सकते। कैसे बोलो तो अलोकेशन 1 लाख की है ना हमारे पास, 1 लाख के बोलो तो खाली 1 लाख की पेमेंट करने के लिए हमारे पास रहते थे। दूसरा अब 2 लाख करना बोलो तो फिर उसके लिए हम उसका सप्लीमेंट्री प्लान प्लानिंग के लिए फिर और प्लान रिवर्ट करके सप्लीमेंट्री प्लान करना पड़ता। सो इसलिए सप्लीमेंट प्लान नहीं जाना बोलकर देख के अब एक्टिविटी एंट्री करने के टाइम पे देख लेकर एक्टिविटी एंट्री करना है। ओके पूरा मैं 78 एक्टिविटीज एंट्री कर लिए, एक एक एक्टिव एक एक कैसे एंट्री कर कैसे लिख लिया भी बोल दूँ। अब देखो पहले एक के लिए टाइम 3-5 क्लीन एंड ग्रीन एक्टिविटी बोलो तो अब ये टाइम पे ई ग्राम स्वराज पोर्टल में पूरा ऑप्शंस ऑटो पॉपुलेटेड रहते हैं। अब ये साल ई ग्राम स्वराज पोर्टल में ज़्यादा ऑप्शंस ऑटो पॉपुलेटेड जैसे दिया है। अब हम खाली सेलेक्ट कर सकते हैं, एंट्री करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहते, थोड़ा प्लेसेस में हम एंट्री कर सकते हैं। सो अब प्लान प्रिपेयर करने के टाइम पे आप ई ग्राम सर्च में लॉग इन हो जाके वो एक्टिविटीज क्या 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 है पहले देख लेना, कैसे देख लेना भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो बायो फर्टिलाइजर परचेज डिस्ट्रीब्यूशन है, सब्जेक्ट एरिया बोलो तो सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, लैंड इंप्रूवमेंट, वुमेन एंड बॉयज आते हैं वो भी ऑटोमेटिकल हम रिफ्लेक्ट होते हैं। सैनिटेशन सेलेक्ट कर लिए, एक्टिविटी टाइप बेनिफिशियरी रहते हैं पब्लिक वर्क रहते हैं सो हम पब्लिक वर्क सेलेक्ट करें। मिशन रहे उसमें गैप रहे तो गैप के लिए सेलेक्ट कर वर्क प्रिपेयर कर बोलो तो उसका वर्क सेलेक्ट करना, ना तो नन बोलकर सेलेक्ट करना। एक्टिविटीज रिमार्केबल फॉर पूरा SC ST जनरल और ऑल किसके लिए हम प्लान प्रिपेयर कर रहे हो पूरा एंट्री करना। टारगेट पॉपुलेशन कितना है, वुमेन, चिल्ड्रंस, यूथ, एल्डर वो भी एंट्री करना है। एक्टिविटी नेचर फ्रेश, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन। सो हम फ्रेश में लिए, इज दिस एक्टिविटी डायरेक्टली फंडेड बाय GP, यस बोल कर लिखे। सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है बोले तो वन फंड लिखे, वो कॉम्पोनेंट किस में आते बोले तो अनटाइड में आते बोले, सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट बोले तो यस सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट और GP बोले तो GP इधर GP आते। स्कीम क्या है बोले तो दूसरा स्कीम आपका हमारा डिपार्टमेंट का वर्क किचन स्कीम को सोच सकते हैं हम। लाइन डिपार्टमेंट बोले तो 18 18 स्कीम से क्या स्कीम है उधर लिख लेना। यूनिट कास्ट कहता है वो भी सेम 500 रहते यूनिट कास्ट। एस्टिमेशन टोटल एक्सपेक्टेड बेनिफिट बोले तो 1000 एंड पूरा पॉपुलेशन कहता है पॉपुलेशन एंट्री कर दिए इधर मगर। एस्टिमेटेड टोटल कास्ट बोले तो मगर आप एंट्री करने के टाइम पे इधर डिटेल्स पूछते हैं, ST ST लोग कहता है, ST लोग कहता है, OBC कहता है बोलकर पूछते हैं, उसके हिसाब से आपको पॉपुलेशन एंट्री करना पड़ता है। एस्टिमेटेड टोटल कास्ट कहता है 500, अमाउंट एलोकेटेड बाई GP कहता है 500, कब से कितने टाइम पे कंप्लीट होते बोला तो 12 महीने से कंप्लीट होते, कब से स्टार्ट करते बोला तो अप्रैल से स्टार्ट करते बोलकर, और आउटपुट क्या है वो भी मैं लिख लिए। ऐसा मैं एक एक वर्क के लिए पूरा 78 वर्क मैं लिखे क्लीन एंड ग्रीन में। देखो 78 9 टीम सिक्लिक कर दिए होगा कर ऐसे पेपर वर्क करने के बाद अनालिसिस करने के लिए भी मैं एक प्रोग्राम बना लिया मेरे के लिए। अब आपको वो बोल रहा हूँ ना, ऑलरेडी लास्ट 1 मंथ से हमारे स्टेट में ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में GPDP एंट्री हो रहे हैं, उनसे बात करके क्या क्या एरर आ रहे हैं उसके हिसाब से ये एनालिसिस प्रोग्राम बना लिए मैं। अब एरर 1 क्या है, प्लान इज नॉट एज पर 120% रूल आ रहे हैं, और 120% रूल आना बोलो तो उसका नया आना बोलो तो क्या करना बोल के भी मैं ऐसा प्रोग्राम बना लिए। हमारा ग्रांट कहता है, टाइड गेंथ कहता है,
बेसिक ग्रांट कहता है, स्टेट फाइनेंस का कमीशन ग्रांट कहता है, वन पर कहता है, वो रिसर्च एनवेलप्स के हिसाब से मैं लिख लिए इधर, टोटल टायर्ड एक्सपेक्टेड अमाउंट कहता है, टोटल अनटायर्ड एक्सपेक्टेड अमाउंट कहता है। उसके लिए फंड एलोकेशन मैं कहता करे, अब ऑलरेडी भाई अभी मास्टर में लिखे ना इधर, एलोकेशन बोलो तो एक्सपेक्टेड नहीं है, फंडिंग के लिए हम अलोकेट करना पड़ता है, वो अमाउंट दिए मैं इधर, ये अमाउंट अलोकेटेड बोल कर रही देना, ये पूरा कैलकुलेट करें। वो भी कैसे करें, टोटल टायर्ड प्लानिंग अमाउंट, प्लानड अमाउंट कितना है, टोटल अनप्लान प्लानड अमाउंट कितना है, उसमें से मैं फार्मूला रख लिए, वो टायर्ड के हिसाब से टायर्ड सम देते, अनटायर्ड के हिसाब से अनटायर्ड सम देते, और स्टेट फाइनेंस के वो सम देते, वो देख के हेडर, एक कॉलम का हेडर देख के उसका नाम से वो टोटल ग्रांट का कहता है, सब में इधर बताते पूरा ऐसा मैं टोटल प्लानिंग कहता है, अभी टोटल कर दिए, वो अलोकेशन पर्सनल कहता है, अभी देख लिया, अभी इधर का टोटल प्लान में हम कितना अलोकेट करें, 100% अलोकेट करें, हमारे का क्या है, एनश्योर द 15th फाइनेंस ग्रांट एलोकेशन शुड बी 100 to 120% बीच में रहना, बोलकर कंडीशन है ना। सो मैं 100% बीच में, 100% में रख लिए, कम में ना रहना, ज़्यादा भी नहीं रहना, बीच में रख सकते हैं। सो मेरा प्लान 100% में है, अभी ये सेटिस्फाई हो गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, एक्टिविटीज़, हमारा एक्टिविटीज 50% रहना, मेरा संकल्प क्या है वो क्लीन एंड ग्रीन है। उसके लिए पहले हम ऑनलाइन से मैं पूरा लिख लिए टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज में, 43 में कहते रहे थे 42 है, हेल्थ विलेज में 60 है, चाइल्ड फ्रेंड विलेज में 65 है, वाटर सफिशेंट विलेज में 64 है, क्लीन एंड ग्रीन विलेज में 82 है, सेल्फ सफिशेंट विलेज में 135 है, सोशल जस्टिस एंड सोशल सेक्योरिटी विलेज में 42 है, विलेज विद गुड गवर्नेंस में 54 है, वुमेन फ्रेंडली विलेज में 50 है, ऐसा पूरा टोटल एक्टिविटीज कहता है मैं लिख लिया। उसके हिसाब से प्लान बनने के टाइम पे मिनिमम 50% एक्टिविटीज का अगर लिखना बोला तो कहता है ना 43 में मिनिमम 21 लिखना, 21 बोलो तो 21 अच्छा नहीं लिखना, ज़्यादा भी लिख सकते, सो ज़्यादा लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे भी। अब उस डे टू डे थोड़ा एक्टिविटीज अभी नया बोलो तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी एक्टिविटीज इंक्लूड कर रहे हैं, वो इंक्लूड करे तो और अकाउंट भी बढ़ जाते, जब हमारा 50% एक्टिविटीज जब थोड़ा कम होता है, इसलिए क्या बोलो तो जब और 21 बोलो तो 5 to 10 एक्टिविटीज ज़्यादा भी लिखे तो हमारे अच्छा रहते लिख लेना। सो 21 हेल्थ विलेज में 30, 50% एक्टिविटीज बोलो तो 30 लिखना, चाइल्ड फ्रेंड में 33 लिखना, वाटर सफिशेंट में 32 लिखना, क्लीन एंड ग्रीन में 42 41 लिखना, सेल्फ सफिशेंट में 68, सोशल जस्टिस में 21, विलेज विद गुड गवर्नमेंस में 27 लिखना, वुमेन फ्रेंडली विलेज में 25 लिखना। सो इसके हिसाब से मेरा थीम क्या है, इधर देखो मेरा संकल्प थीम क्लीन एंड ग्रीन में, सो 42 to 62 वर्क्स में इंक्लूड करें मेरे प्लान में, 62 वर्क्स इंक्लूड कर रहे हैं और ज़्यादा ज़्यादा इंक्लूड कर रही है। सो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, अभी ये टाइम मैं प्लान एंट्री कर रहा था भी मेरे के एरर नहीं आते, ओके वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते। और तीसरा एरर क्या है बोलो तो, 50% सॉरी, सो अनटेड का, सो 50% अनटेड अमाउंट का अलोकेट करना है थीम में, मेरे संकल्प थीम में, वो मेरा अनटेड का अमाउंट कहता है, जो 15th फाइनेंस कमीशन का अनटेड कहता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का अनटेड अमाउंट कहता है, वो सोर्स का अनटेड अमाउंट कहता है, वो तीनों अनटेड अमाउंट में से 100% अमाउंट कहता है, उसमें से 50% कितना अलोकेट करना है। अलोकेट करने के टाइम पे मैं कहता है लड़कर मैं अमाउंट कितना अलोकेट करें, सो उसके हिसाब से 50% नहीं करे ना करे नहीं करे बोलकर भी मैं एनालिसिस कर लिए, एनालिसिस करने के बाद मैं वो भी सेटिस्फाई हो गया, वो भी सेटिस्फाई हो गया। और वहाँ 120% रूल के हिसाब से भी 10% अलोकेट नॉट मोर देन, यू कैन नॉट अलोकेट मोर देन 10% ऑफ सी टायर्ड ग्रांट बोलकर वो भी एरर आ रहे। उसके भी मैं मेरे ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन में ऑपरेशन टाइप ऑफ एक्टिविटीज कितना एंट्री करें, उसके लिए कुछ अमाउंट एंट्री करें नहीं करें बोलकर ऐसे मैं अलोकेट करें। अभी मैं डेमो के लिए नहीं लिए, मगर आप लोग रियलिटी में उसके लिए भी लेना पड़ता, सो देख के लेना है। सो अभी वाइब्रेट ग्राम सब कुछ एरर आए तो क्या करना, ऑलरेडी मैं वो भी बोल दिया आपको। सो मीटिंग वाले पोर्टल में जाके, मीटिंग वाले में जाने के बाद आकम सेलिब्रेशन रहते हैं, आकम सेलिब्रेशन करके वहाँ का संकल्प सेलेक्ट करना है, मिनिमम 1 है मैक्सिमम 2 है,
आपका क्या है वो संकल्प सिलेक्ट कर, मैं अभी क्लीन एंड ग्रीन संकल्प लिए उसको सिलेक्ट कर दिया और SDG गोल्स भी सिलेक्ट कर दिए। हमारा टीम के क्या SDG गोल्स रहते हैं वो SDG गोल्स को सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करके सेव कर दिए। सेव करने के बाद और ग्राम सभा का रेजोल्यूशन कॉपी भी इसमें अपलोड कर दिए। ओके वो ऐसे करके सेव करे तो वो एरर रेक्टिफाई हो जाते हैं। वो एरर रेक्टिफाई होने के बाद और एक एरर क्या है बोले तो प्लान एंट्री करने के टाइम पे हम पीपल्स प्लान कैंपेनिंग करने के बाद फैसिलिटेटर फीडबैक देना है GPDP पोर्टल में, नहीं तो ऐप से भी दे सकते हैं। कोई भी अब देने के टाइम पे हम भूल गए वो GPDP अप्रूव बोलकर ऑप्शन चेक नहीं करे, टिक नहीं करे, टिक नहीं करे तो ऐसे एरर आते हैं हमारे प्लानिंग करने के टाइम पे। जब क्या करना बोलो तो फिर मेरे फैसिलिटेटर लॉगिन में लॉगिन हो जाने के बाद फैसिलिटेटर फीडबैक रहते हैं। फैसिलिटेटर फीडबैक में फीडबैक सेलेक्ट करना, फीडबैक सेलेक्ट करके चेक बॉक्सेस रहता है सब, वो चेक बॉक्सेस पूरा सेलेक्ट करके फिर सेव करना है। सेव करें तो हमारे को वो एरर भी रेक्टिफाई हो जाते हैं। ओके और ये लास्ट क्या है, इट इज मैंडेटेड टू कंप्लीट द ओरिएंटेशन फॉर द पंचायती प्रेयर टू अप्रूवल फॉर द पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ये हमारा DPM जिला परिषद लाइन में, नहीं तो CEO ऑफिस में वो टेक्निकल पर्सन कोई रहे तो उन जिला परिषद लाइन ओपन, एडमिन लाइन ओपन करके ओरिएंटेशन का डिटेल्स एंट्री करना पड़ता है। कितना मंडल्स में ओरिएंटेशन हो गया, कितने लोग अटेंड हुआ बोलकर एक एक टीम के लिए पूछते, वो टीम का डिटेल्स एंट्री करके सेव करो तो ये एरर रेक्टिफाई हो जाते हैं। ऐसा हमारे को अब तक मैं लास्ट महीने से अब तक देखे तो ऐसे 8 एरर्स आए। वो 8 एरर्स के लिए भी मैं ही अनालिसिस रिपोर्ट बना के वो उसके हिसाब से मेरे GPDP पे प्लान लिख लिए के फिर मैं ऑनलाइन में एंट्री करने के लिए जा रहा हूँ। अब ऑनलाइन में एंट्री करना बोलो तो क्या क्या करना है, पहले वो प्री रिक्वायजेशन फॉर पंचायत प्लान क्रिएशन क्या है वो देख लेना। सो ऑलरेडी मैं बोले, मैं और एक बार पढ़ा रहा हूँ, देखो पंचायती हैज टेकन द संकल्प एंड आइडेंटिफाई द संकल्प टेकन थिंग इन द वाइब्रेट ग्राम सभा पोर्टल। पंचायत हैज हेल्ड द सभा एंड फैसिलिटेटर फीडबैक हैज बीन अप्रूव्ड इन द PPC पोर्टल। पंचायत हैज कंप्लीटेड द मिशन ऑफ द सर्वे एंड आइडेंटिफाई द MA गैप्स इन द MA पोर्टल। पंचायत हैज टू अलोकेट 50% एक्टिविटीज फॉर सेलेक्टेड संकल्प थीम। पंचायती हैज टू अलोकेट 50% अनटाइड फंड फॉर सेलेक्टेड थीम्स। पंचायती इंश्योर दैट नॉट टू अलोकेट मोर देन 10% अनटाइड फंड टू ऑपरेशनल एक्टिविटीज। इंश्योर दैट पंचायती हैज टू प्रिपेयर थीमेटिक GPDP। मैं ऑलरेडी बोले थीमेटिक GPDP तो कवर 9 थीम्स। टू अवॉइड एडमिनिस्ट्रेशन एरर इंक्लूड वन एंड सब्स एक्टिविटीज इन GPDP टू कैप्चर कंप्लीट री प्रोग्रेसिव फ्यूचर में आने के एरर अभी रेक्टिफाई करना बोले तो कंपलसरी वो भी इंक्लूड करना। सो प्लान क्रिएट करना बोलो तुम क्या करना, प्लानिंग में जाना। प्लानिंग में जाने के बाद एक्टिविटी पूल रहते, एक्टिविटी पूल को सेलेक्ट करना। अब रजिस्टर एक्टिविटी रहते ए क्लिक करना है। ए क्लिक करे तो हमारा राइट साइड विंडो ओपन हो जाते हैं। राइट साइड विंडो में और डिजायर्ड थीम बोलकर पहले ऑप्शन आते हैं उसको सेलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली वो पॉप अप आते हैं, ऑटो पॉप अप ऑप्शन, ड्रॉप डाउन बोलते इसको, ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आते हैं। अब ये देखो एक कलर में रखे ना मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स में थीम है ना वो मेरा संकल्प थीम है। इसको क्या करें बोलो तो ऑब्जर्व हाईलाइटेड रेड कलर रेक्टेंगुलर सर्कुलर, सॉरी रेगुलर नहीं रेक्टेंगुलर सर्कुलर, इट इज अवर संकल्प थीम। वी नीड टू अलोकेट 50% एक्टिविटीज एंड 50% अनटेड अमाउंट टू कंसर्न संकल्प थीम एज पर गाइडलाइंस। ओके अब बाकी का भी एक एक दो दो वर्क कंपल्सरी करना है। पूरा 9 थीम्स इंक्लूड करना है, लैंड डिपार्टमेंट के भी बजट लेना है, उसके हिसाब से हम प्लानिंग करना पड़ता है। ओके बाकी का मिशन अंत थे वो ऑलरेडी लिख लिया ना, वो पूरे इसमें एंट्री करके सेव और सेव एंड फॉरवर्ड दो ऑप्शन रहते इधर इधर नीचे। अब मैं ऑलरेडी आपको बता दिए ए टाइम डिफरेंट है, लास्ट टाइम डिफरेंट है। लास्ट टाइम हम पूरे मैनुअली एंट्री करें पूरे एक्टिविटीज का पूरा बॉक्सेस में, मगर ए टाइम पे ज़्यादा बॉक्सेस ज़्यादा कॉलम्स हम ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना पड़ता है। और ड्रॉप डाउन में क्या एक्टिविटी रहे तो वही चीज़ सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना बोलो तो अब इधर स्मार्ट सेट्स बोलकर ऑप्शन दिए ना, पूरा एक्टिविटी कितना काउंट मालूम होना बोलो तो भी, और डिजिट थीम में एक्टिविटी सेलेक्ट करे तो इसके नीचे हमारे को टोटल काउंट टोटल एक्टिविटी कितना है वो बताते हैं। और स्मार्ट सर्च में सेलेक्ट करने के बाद स्मार्ट सर्च में जाके आप वो थीम नेम एंट्री करके सर्च करें तो वो थीम में क्या क्या एक्टिविटीज है वो पूरा लिस्ट जनरेट होते हैं। वो लिस्ट आप लोग डाउनलोड करके वो लिस्ट में से एक्टिविटी लेना पड़ता है आप लोग।
ओके। दूसरा अब लिस्ट में से एक्टिविटी नए दूसरा एक्टिविटी लिख लिए वो भी एंटर करेंगे बोलो तो वो ऑप्शन आपको प्रयोजन ना आते, फिर उसके लिए फिर एक्टिविटी चेंज करना पड़ता। सो एक काम के लिए 2-3 बार काम करना पड़ता, एक एक्टिविटी के लिए 2-3 बार काम करना पड़ता। सो वी नीड टू फोकस एट द टाइम ऑफ डाटा एंट्री ओनली और पेपर वर्क करने के टाइम पे भी ध्यान करके दे लिख लेना। सो पूरा एक्टिविटी एंट्री कर लिए, एक्टिविटी एंट्री करने पर क्या करना, सेव और सेव पॉइंट फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेव करा तो क्या हुआ तो बोलो तो आप पूरा एक्टिविटी एंट्री करें मगर थोड़ा फील्ड से आपको डाउट है तो इसके लिए फिर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना बोलो तो सेव करके फिर एक्टिविटी में मैनेज मैनेज एक्टिविटी रहती है मैनेज एक्टिविटी में जाके फिर मॉडिफाई ऑप्शन ओपन करके ये पूरा एक्टिविटी मॉडिफाई करके सेव एंड फॉरवर्ड करें तो ये एक्टिविटी प्लानिंग में जाते। अभी काले हम एक्टिविटी एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करके फिर उसका प्लानिंग में मूव करना है। मूव करना बोलो तो क्या क्या करना, सेव एंड फॉरवर्ड करे तो एक्टिविटी प्लानिंग में मूव हो जाते हैं। ऐसा हम 78 मेरे का 78 एक्टिविटी से 78 टाइम्स में एंट्री करना पड़ता, 78 टाइम्स में सेव एंड फॉरवर्ड का बटन दबाना, एक एक एक्टिविटी एंट्री करके पूरा देख के सेव एंड फॉरवर्ड दबाना। ओके सेव एंड फॉरवर्ड दबाए तो पूरा एक्टिविटी से प्लानिंग में जाते। ऐसे प्लानिंग में गए तो हमारे कैसे एरर आते मैसेज आते, द एक्टिविटी डेफिनेशन वॉज सेव्ड सक्सेसफुली एंड हैज नाउ बीन फॉरवर्डेड टू द प्लानर, द एक्टिविटी डेफिनेशन विल बी अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन ओनली इफ द प्लानर रिटर्न इट फॉर रिविजन। सो ऑलरेडी हम एक्टिविटी एंट्री कर दिए वो भी प्लानिंग में मूव करें, प्लानिंग में मूव करने के बाद फंड एलोकेशन करने के टाइम पे हम मालूम कर लिए एक्टिविटीज रैंक से एंट्री करें, बजट एलोकेशन रैंक करें ना तो स्कीम कंपोनेंट टू रैंक में एंट्री करें, ऐसा हम रियलाइज हो गए। रियलाइज हो गए बोलो तो क्या करते हैं उसमें रिविजन करने के लिए ऑप्शन रहते हैं। सो रिविजन बटन दबाए तो वो एक्टिविटी प्लानिंग से फिर एक्टिविटी में के फॉरवर्ड रिवर्स आते हैं, रिवर्स आने के बाद फिर हम मॉडिफाई एक्टिविटी में जाके फिर मॉडिफाई करके वो एक्टिविटी मॉडिफाई कर सकते हैं, ना तो एक्टिविटी को डिलीट करके फ्रेश एक्टिविटी एंट्री करके वो एक्टिविटी को प्लानिंग में मूव करना है। ओके ऐसे हम पूरा पूरा एक्टिविटी एंट्री करके एंट्री करने के बाद हम क्या नेक्स्ट प्लान क्रिएशन करना पड़ता है, प्लान क्रिएशन एंड फंड एलोकेशन करना है। वो प्लान क्रिएशन फंड एलोकेशन करना बोलो तो क्या करना, पंचायती डेवलप प्लानिंग में पंचायत डेवलपमेंट ऑप्शन रहते हैं, पंचायत डेवलपमेंट सेलेक्ट करके रजिस्टर्ड प्लान ऑप्शन रहते हैं। सो रजिस्टर्ड प्लान को दबाया तो पूरा लिस्ट जनरेट होता है टेबल बाय डिफॉल्ट, ऐसा प्रायोरिटी एक्टिविटी कोड एक्टिविटी नेम एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन थीम नेम टोटल कॉस्ट कितना है अमाउंट एलोकेटेड 0 बाय डिफॉल्ट 0 रहते हैं, उसका एलोकेशन हम करना है आप करना है। अब इधर एक्शन बोलकर अब वो 4 आइकन्स है ना नीचे देखो ऑलरेडी माई फर्स्ट आइकन फंड एलोकेशन है, दूसरा एक्सक्लूड है, तीसरा रिवर्ट ऑप्शन है और फोर्थ वन सेट प्रायोरिटी है। सेट प्रायोरिटी बोलो तो ऑलरेडी आप प्रायोरिटी बोलकर 1 2 3 बोलकर है ना, इसके हिसाब से अब आप लोग चेंज करना वर्क प्रायोरिटी, दूसरा एक्टिविटी पहले आना पहले एक्टिविटी दूसरा आना बोलो तो हम सेट प्रायोरिटी में जाके वो नंबर चेंज कर सकते हैं आप हमारे हिसाब से। और अब इसमें से एक एक्टिविटी को एक्सक्लूड करना बोलो तो एक्सक्लूड करें तो एक्सक्लूड दबाए तो एक्टिविटी इसमें से एक्सक्लूड हो जाते। रिवर्ट बोलो तो ऑलरेडी आपको बताया ना भाई, अब एंट्री करने के टाइम पे आप मालूम कर लिए रॉन्ग एंट्री करें नहीं तो टीम नेम रॉन्ग सेलेक्ट करें अमाउंट भी कम करें वो आप चेंज करना बोलो तो पहले रिवर्ट करना है। रिवर्ट करने के टाइम पे दो एक कंडीशन रहते हैं, हमारा प्लानिंग में मिनिमम 2 एक्टिविटीज रहना, प्लान कुछ एक्टिविटी रिवर्ट करना बोलो तो अब 2 एक्टिविटी रहे तो अब 3 एक्टिविटी में एक एक्टिविटी को रिवर्ट कर सकते मतलब 2 रहते, मगर खाली एक ही एक्टिविटी वो रिवर्ट करना बोलो तो मुश्किल है, वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करते। सो इसके लिए क्या करना बोलो तो पहले और 2-3 एक्टिविटी एंट्री करने के बाद पहले एक्टिविटी को रिवर्ट करना। ओके सो रिवर्ट करने के टाइम पर वो माइंड में फिक्स कर लो 2 एक्टिविटी रहेगा बोलकर। सो फंड अमाउंट एलोकेटेड एज रिफ्लेक्टेड 0, अब हम एक एक एक्टिविटी के लिए फंड एलोकेट करना है। फंड एलोकेट करना बोलो तो क्या करते हैं, फंड एलोकेशन सिंबल में दबाते हैं, दबाने के बाद हमारे को ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होते हैं, उसमें से अवेलेबल फंड कितना है, अलोकेटेड फंड कितना है, अगर ये एक्टिविटी के लिए अमाउंट कितना प्रपोज कर रहे हैं बोलकर ऑप्शन दिखते हैं। वर्क के हिसाब से टीम का हिसाब से वो एक्टिविटी के लिए हम फंड कहाँ से एंट्री कर रहे हैं वो फंड में वो बॉक्स में हम अमाउंट एंट्री करके अलोकेट दबाना।
अलकड़ दबाए तो वो ऑटोमेटिक अलकड़ हो जाता है सर। अलकड़ होने के बाद सेव करना है, सेव करें तो हम डाटा सेव सक्सेसफुल बोलकर ऑप्शन आते हैं। ओके, ऐसे एक एक एक्टिविटी को फंड अलोकेट करना है। अलोकेट करने के टाइम पे अब वो हमारे पूरे 78 एक्टिविटीज में 78 एक्टिविटीज का फंड एक ही बार अलोकेट करके सेव करें तो टाइम लगते हैं। ये टाइम पे भी हमारे को करंट भी गए जाते हैं, नहीं तो इंटरनेट कनेक्शन आता है और कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं, फिर वो पूरे एंट्री करने का काम आप सेव टाइम एक्सपायर हो जाके फिर सेव में नहीं रहते। उसके लिए क्या करना बोले तो पहले आप लोग रजिस्टर एक्टिविटी में एक एक्टिविटी को फंड अलोकेट करके सेव करना है। रिजोल्यूशन कापी अटैच करके, आपका ग्राम सभा का रिजोल्यूशन कापी अटैच करके, इधर रिजोल्यूशन कापी रहते हैं, रिजोल्यूशन कापी अटैच करके सेव करना है। सेव करा तो पूरा एक्टिविटीज में रजिस्टर प्लान से मैनेज प्लान में रहते हैं। जब हम फिर मैनेज प्लान में सेलेक्ट करके मैनेज प्लान में प्लान स्टेटस रहते हैं, प्लान पेंडिंग बोलकर पूरा तीन ऑप्शन रहते हैं, प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल, प्लान अप्रूव बोलकर तीन ऑप्शन रहते हैं। हम पहला ऑप्शन प्लान पेंडिंग लेना है। प्लान पेंडिंग लेके इसमें मॉडिफाई ऑप्शन दबाना है। मॉडिफाई ऑप्शन दबाया तो हमारे को आर इफ यू वांट टू विश यू मॉडिफाई द रिकॉर्ड बोलकर एक डायलॉग बॉक्स आते हैं, ओके बोलकर दबाना है। ओके बोलकर दबाए तो पूरा एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट हो जाते हैं उसमें। फिर हम अमाउंट अलोकेट करना है, एक एक वर्क के लिए अमाउंट कहाँ से ले रहे, कितना प्रपोज कर रहे हैं वो बोलकर एंट्री करके, ऐसा दो तीन एक्टिविटी एंट्री करने के बाद फिर सेव करना है। कहीं बोलो तो इंटरनेट भी कभी भी जा सकते हैं और भी कभी भी जा सकते हैं। जब पूरा हम एंट्री हम पूरा करने का वर्क का जीरो हो जाते हैं फिर एंट्री करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना बोलो तो दो तीन एक्टिविटी एंट्री करके सेव करना है। एंट्री करके सेव करके पूरा एंट्री करने के बाद रिजल्ट अटैच करना, फिर सेव करना। और एक बार कुछ एक्टिविटी अभी रिवर्ट कर, अभी आप ऑलरेडी मैं बोले प्लान एंट्री करने के टाइम पे हम मालूम कर लिए गलती से एक्टिविटी एंट्री करें, नहीं तो फंड एलोकेशन 50% का एरर आ रहे हैं, 120% के एरर आ रहे हैं, 50% टाइट एरर आ रहे हैं, ऐसा ऐसे टाइम पे क्या करते हैं हम एक दो एक्टिविटी को प्लान रिवर्ट करते हैं। प्लान रिवर्ट करने के टाइम पे वो रिवर्ट में जाते हैं, फिर एक्टिविटी में जाते हैं। एक्टिविटी में जाने के बाद हम मॉडिफाई करके नए तो नए वर्क एंटर करके फिर वो एक्टिविटी से प्लानिंग को मूव करते हैं। प्लानिंग मूव करे तो वो डायरेक्ट प्लान मास्टर प्लान मास्टर रिफ्लेक्ट नहीं होते, वो क्या बोले तो इंक्लूड एक्टिविटी बोलकर ऑप्शन रहते हैं। सो इंक्लूड एक्टिविटी में रहते हैं। एक्टिविटी से सेव एंड फॉरवर्ड कर रहे तो एक्टिविटीज मॉडिफाइड एंड न्यूली एडेड वर्क विल अवेलेबल इन इंक्लूड एक्टिविटी, प्रेस इंक्लूड एक्टिविटी बटन टू रिस्टोर ऑल एक्टिविटी इन मेन प्लान। सो मेन प्लान में इंक्लूड करना बोलते क्या कैसे जाना, प्लानिंग में जाके पंचायत डेवलपमेंट सेलेक्ट करना, मैनेज प्लान स्टडी सेलेक्ट करना, प्लान पेंडिंग गेट डाटा रिजल्ट विल जनरेटेड सेलेक्ट इंक्लूड एक्टिविटी रिपोर्ट सेलेक्ट दबाना। दबाए तो ऐसे हमारे को टेबल रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो टेबल से एक्शन में बाय डिफॉल्ट चेक बॉक्स डिसेबल में रहते हैं। पूरा क्या क्या एक्टिविटी इंक्लूड कर रहे हैं तो वो एक्टिविटीज पूरा सेलेक्ट करके टिक करके इंक्लूड बोल कर दबाना है। इंक्लूड बोल कर दबाए तो पूरा मेन प्लान में इंक्लूड हो जाता है। इंक्लूड होने के बाद उसके भी अमाउंट अलोकेट करके फिर सेव करना है। सेव करने के बाद फिर ओपन करके और रिजोल्यूशन कापी अटैच करके सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल बोल कर दबाना है। अभी एंट्री करने का कुछ भी नहीं है, पूरा आप प्लानिंग वर्क पेपर वर्क के हिसाब से एंट्री कर दिए। बैलेंस भी फॉलो करें, बैलेंस भी फॉलो करें तो सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल बोल के दबाए तो कुछ भी एरर ना रहे तो पूरा सेटिस्फाई हो गया तो आपका प्लान अप्रूव हो जाते। प्लान अप्रूव में जाते तो नहीं हो जाते, प्लान अप्रूव में जाते। प्लान अप्रूव में जाने के बाद फिर क्या करना, फिर पंचायत डेवलपमेंट में प्लानिंग सेलेक्ट करना, प्लानिंग में मैनेज प्लान सेलेक्ट करना। जब फिर प्लान पेंडिंग को फॉर अप्रूवल वर्क सेलेक्ट करना, प्लान स्टेटस प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने का गेट डाटा दबाया तो ऐसे टेबल रिफ्लेक्ट होता है। ये टेबल से फिर अप्रूव बटन दबाना है। अप्रूव बटन दबाया तो हमारे को ऐसा एक टेबल जनरेट होते हैं। फाइनल ग्राम पंचायती डेवलपमेंट प्लान फॉर अप्रूवल बोलकर दिखाते हैं। इसमें डेट सेलेक्ट करना, प्लान अप्रूव डेट क्या है बोलते हैं, आप जीपी फाइनली ग्राम सभा कब रखे, कब रिजोल्यूशन कर दिए, वो डेट इधर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके सेव कर रहे तो आपका प्लान अप्रूव हो जाता है। आप लोग प्लान अप्रूव हो जाता है ऐसा हमारे को मैसेज आते हैं। द एक्टिविटी डेफिनेशन वॉज सेव्ड सक्सेसफुली एंड हैज नाउ बीन फॉरवर्डेड टू द प्लानर। द एक्टिविटी डेफिनेशन विल बी अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन ओनली इफ द प्लानर रिटर्न फॉर इट फॉर रिविजन। कुछ आप फिर रिमार्क्स ऐसे मैसेज आते हैं, आपको ओके दबाना। दबाने के बाद फिर आपका अप्रूव प्लान क्या है
देखना बोला तो फिर प्लानिंग में जाके, मैनेज प्लान में जाके प्लान अप्रूव में, प्लान अप्रूव बोल के सेलेक्ट करके गेट डाटा पर दबाया तो हम टेबल जनरेट होते, टेबल में व्यू बोलकर ऑप्शन आते, व्यू बोलकर व्यू में क्लिक करें तो पूरा एक्टिविटी से रिफ्लेक्ट हो जाता है आपका। एक्टिविटी क्या क्या एंट्री करें तो पूरा एक्टिविटी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो आप रियलिटी में आपको एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट करें तो फिर क्या क्या एक्टिविटी का फोटो क्या कैसे खींचना है वो पूरा, फिर दूसरा प्रोग्रेस रिपोर्ट रहते ना, पेमेंट करना बोलो तो वो अलग से फिर करना पड़ता। सेम पूरा एंटायर प्रोसेस है जीपीडीपी का, मैं एक एक स्टेप से बताए, और कुछ रहे तो और एक बार माय पीपीटी भी अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ, ये डाउनलोड करके आप लोग एक पढ़ सकते हैं। अब एरर्स भी मैं बता दिए आपको, एक एक एरर क्या आते हैं उसके लिए सोल्यूशन क्या है बोलकर भी इसमें मैं दिखाया है। और एक रिपोर्ट, रिपोर्ट जाना बोलो तो कहाँ जाना है आप लोग, टीग्राम सर होम पेज में जाके अब पंचायत प्रोफाइल कुछ अपडेट पेंडिंग बोलो तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, रेड सर्कल रेक्टेंगल सर्कल है ना, रेक्टेंगल सर्कल में जाके आपका पंचायत कुछ पेंडिंग है बोलो तो अब अपडेट कर सकते हैं। प्लानिंग स्टेटस क्या है, अप्रूव नया अप्रूव बोलो तो अभी इसमें देख सकते हैं, ऐसा हम रिपोर्ट भी देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बताया, मैं एक एनालिसिस रिपोर्ट बना लिया होकर जीपीडी के लिए, तो एनालिसिस रिपोर्ट में मैं प्रोग्राम में ये भी लिंक शेयर करता हूँ आपको, मैं एक टीम के लिए ये बनाए, वो पूरे एक एक वर्क के लिए मास्टर, अब ये मास्टर शीट है मेरा, ये मास्टर शीट का डाटा मैं इधर फ्रीक्वेंटली अकरिंग एरर्स में लिंक कर दिए। अब इधर मैं चेंज मास्टर शीट में, अब टीम है ना संकल्प टीम है, मेरे संकल्प टीम में क्या है टीम 5 है, अब मैं इसको चेंज करें तो अब ये टीम 3 को सेलेक्ट करें तो मेरा एरर क्या है देखा एक बार, एनालिसिस रिपोर्ट क्या दिखाता है मेरे को। सो 120% सेटिस्फेक्शन हो गया, वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कह के बोलो तो पूरा टोटल ब्रांड में 100% है, 120% लेना, सो इसके हिसाब से मैं लिए वो एरर नहीं। दूसरा एरर क्या है, 50% एक्टिविटीज, सो 50% एक्टिविटीज में पहले मैं टीम 5 को सेलेक्ट करे, अब टीम 3 को सेलेक्ट कर दिए, ऑटोमेटिकली मेरा प्रोग्राम वो हाईलाइट करते, उसका हाईलाइट करके उसके हिसाब से देख लेते, देख के 50% एक्टिविटीज 33 करना मगर वन एंट्री करे, सो नॉट सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा भी चलो सेलेक्ट कर दिया, देखिए टीम 3 को, टीम 2 को सेलेक्ट कर दिए, 2 को सेलेक्ट करे तो हेल्थी विलेज, हेल्थी विलेज भी सेटिस्फाई नहीं हो गया। अब टीम 5 को सेलेक्ट कर दिए एक बार, टीम 5 को सेलेक्ट करे तो सो सेटिस्फाई हो गया। ऐसा मैं एनालिसिस प्रोग्राम भी लग, अभी आपका भी ये यूज हो तो बोलो तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर करता हूँ, ये भी डाउनलोड करके आप मे के कॉपी करके आपके हिसाब से भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करा बोलो तो भी मॉडिफिकेशन कर लो, कुछ भी नहीं है। मैं करेक्ट बोलकर मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ, मैं ही एनालिसिस बना लिए। आप लोग भी आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ हमारे एरर मैं बनाने के टाइम पे कुछ एरर आया तो भी आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अब पूरे मेरे वीडियो आपको पसंद हुए तो वीडियो का लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब भी करो सर। थैंक यू टू ऑल।